राजस्थान युवा सेवा समिति के द्वारा श्री गणेश उत्सव के कार्यक्रमों के तहत लगाए गए पंडाल में विधायक रोहिता रेवड़ी बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उन्होंने वहां जाकर गणेश वंदना की और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कामना की कि भगवान गणेश उनके सभी विघ्न हरें तथा सभी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। बात है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय विधायिका श्री रोहिता रेवड़ी जी हरिओम सभी भाई तालियों के साथ वेलकम करेंगे। विराजमान किया और इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया, जिनकी गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कि आपने यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान किया हमारा अनिल मदान जी का, साथ ही सुलेख जी, आपने सभी का मान सम्मान किया है। और मैं टीम के सभी मेंबर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और यही कहूँगी कि आपका ये परिवार इसी तरह एक माला के रूप में रहे, एक शक्ति के रूप में रहे, आप इसी तरह बने रहें। और आप जिस मनोकामना से गणपति जी को यहाँ पर विराजित किया है, वो मनोकामना आपकी पूरी हो और सभी के विघ्न गणपति जी अपने नाम के अनुरूप हर के अपने साथ लेके जाएँ और अगले वर्ष जल्दी आए। गणपति बापा साल गणपति उत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें पांचवें दिन में हमारे चीफ गेस्ट विधायिका रोहिता रेवड़ी जी आए और उन्होंने हमारे को बहुत ही ये बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसलिए 2 से 10 तारीख तक चलेगा। ये इसका विसर्जन 10 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। युवा सेवा समिति के सदस्य सारे हमारे मौजूद थे और राजस्थानी धर्मशाला के प्रधान अमरनाथ जी, अनिल रेलवे रोड के प्रधान अनिल मरदान जी, सुलेख जी, लेखराज जी, बाकी सभी मेंबर मौजूद थे।